विधायक तेरी ताना ताही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी ताना ताही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तहसील का किया घेराव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रमिकों के कार्यालय को शिफ्ट न करने की मांग को लेकर तहसील प्रशासन का घेराव किया गया, जिसमें एमडीडीए को ज्ञापन देने आए कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई। चित्र विधायक के ऊपर टोन कसते हुए श्रमिकों ने कार्यालय को जीवनगढ़ से बाड़वाला पहुंचाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के चलते कार्यालय शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रोडों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। डीसीपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मोहम्मद मोहसिन। श्रमिक विभाग का ऑफिस हरबतपुर से जीवनगढ़ शिफ्ट किया गया, अब वही ऑफिस जीवनगढ़ से बाड़वाला शिफ्ट किया जा रहा है, जो तमाम हजारों लोग 5000 के करीब यहाँ पे हैं विकास नगर में और 8000 समथिंग सहसपुर में श्रमिक हैं, वो सब अपना कंटिन्यू कराने के लिए जीवनगढ़ आते हैं। और जब एक आपने स्थापित कर दिया ऑफिस, ये बार बार उस ऑफिस को क्यों इस तरह बदल रहे हैं? चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये हजारों सैनिकों की श्रमिकों की अनदेखी हो रही है। और जो श्रमिक अपना काम धाम छोड़ के, क्योंकि श्रमिक आपको बताया कि उसने सुबह कमाना और शाम को अपने घर में रोटी लेके आनी है, वो अपना काम छोड़ के अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के इस ऑफिस में आएगा, वो कहाँ ढूंढेगा बाड़वाला में ऑफिस? और क्यों वहाँ किया जा रहा है? तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम कांग्रेस के लोग ये श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे उसके लिए अगर वो यहाँ से शिफ्ट होता है। एजेंट साहब भी नहीं मिले आपको? देखिए आजकल ना कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल जब संयम भाई कोतवाल तो डर गाएगा, ऐसे ही सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं और ऐसे ही यहाँ के मुझे लगता है प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि इनको शय है। जब हमने समय ले लिया था पहले, कल हमने शाम बात हो गई थी कि हम 11 बजे, और आज सुबह हमने 11 बजे फोन किया, उन्होंने 11 बजे रिसीव नहीं किया। आज यहाँ पे तहसीलदार कानून को जो भी होंगे उन्होंने फोन किया तब उनका फोन आया। तो मैं चाहती हूँ कि जरूर काम होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ऐसी भी क्या कि आप हमें इन्फॉर्म कर देते कि मैं मीटिंग में हूँ या नहीं। तो अपनी जिम्मेदारी से जो मुंह मोड़ने का, जो अनदेखी करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं, ये भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। मैडम बाड़वाले में शिफ्ट हो जाता है तो आप क्या करोगे आगे? बाड़वाले में शिफ्ट हो जाता है तो हम आंदोलन करेंगे निश्चित रूप से, चाहे हमें धरना देना पड़े, हम पूरा सड़क पे उसके आवाज को उठाएंगे। हम इन श्रमिकों के साथ है, कांग्रेस पार्टी हम सब इनके साथ है और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे।